हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन दो टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक है, एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। आज सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे जो हमने अभी इतना सारा प्रोसेस किया हुआ है, इन प्रोसेस से, जैसे कल तो मैंने सिर्फ आपको नाम ही बताए थे, अब कुछ प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के बारे में बताऊँगी कि किस तरीके से जो है ये एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लांट है वो प्लांट है बीटी कॉटन। यानी जो, अब देखो बीटी कॉटन के यहाँ पे थोड़ा सा आप लिखने में ध्यान देना कि अगर आप इस तरीके से लिखते हो, यानी दोनों चीज़ कैपिटल लिखते हो BOT, तब तो इसका मतलब है बायोटेक्नोलॉजी। और जब आप कैपिटल B और small t लिखते हो तो इसका मतलब है बैसिलस थ्यूरीजियंसिस। तो दोनों ही चीज़ एक ही मतलब कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कॉटन है, उस कॉटन को या कपास को तैयार हम कर रहे हैं बैसिलस थ्यूरीजियंसिस बैक्टीरिया से। ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में हम एक स्पेशल जीन डालते हैं और वो जीन डालते हैं क्राइजीन। क्राइजीन जो होता है, ये क्राइजीन जब हम कॉटन की सीड में डालते हैं तो इसमें, इसको जब कैटरपिलर, और वो भी कौन सा जो इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट का कैटरपिलर जब इसकी लीफ को खाता है तो खाने पर उसके जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस कैनाल की pH कम हो जाती। pH कितनी हो जाती, 1 या 2। तो उसके कारण जो उसकी एलिमेंट्री कैनाल है, उस कैनाल में छेद हो जाते हैं और वो मर जाता है। तो इस तरीके से हम जो है कॉटन प्लांट को सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका बीटी कॉटन, जिसमें आपको दो तीन चीज़ें याद करनी है। एक तो नेम ऑफ बैक्टीरिया याद करना है, तो बैसिलस थ्यूरीजियंसिस है, कौन सा जीन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्राइजिन यूज हो रहा है। क्या करता है क्राइजिन, तो ये क्राइजिन जो है कैटरपिलर के एलिमेंट्री कैनाल की pH को बहुत कम कर देता है, 1 या 2। और आपको पता है 1 या 2 जो है मोर एसिडिक, और उसके कारण जो उसके एलिमेंट्री में छेद हो जाते हैं और वो मर जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम पहली इसका एग्जांपल ले रहे हैं। दूसरा हमारे पास में फ्लेवर सेवर टमेटो, ये जो है टमाटर की एक नई वैरायटी डेवलप की है। और इसलिए यूज़ करिए क्योंकि जैसे अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि आप 12th क्लास में आते हो तो कुछ वेजिटेबल्स वगैरह के बारे में जानते हो, लेने भी जाते होगे, तो वहाँ पे आपको टमाटर की 2 वैरायटी मिलेगी। एक तो होती है देसी और एक होती है जिसका अपन सलाद करते हैं या कच्चा अपन उसको यूज़ करते हैं। अब जब देसी वैरायटी लाते हैं, हालांकि जो टेस्ट है वो देसी में ही ज़्यादा है, लेकिन जब हम सलाद वगैरह या काफ़ी टाइम तक रखने के लिए उसको लेते हैं तो हम कौन सी वैरायटी लेते हैं, सलाद वाली। क्यों, क्योंकि इसकी जो वॉल है वो कैसी होती है, थिक होती है और ये काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होता। जबकि अगर आप देसी टमाटर लाओगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो फ्लेवर सेवर जो वैरायटी है, उस वैरायटी को डेवलप किया गया है क्योंकि हमारा जो टमेटो है वो 1-2 दिन तक आराम से रह सके। अब इसमें क्या करा है, इसमें पॉलीग्लेक्टोरोनीस ये एंजाइम है, इस एंजाइम को जो है इंजेक्ट किया गया है। ये एंजाइम क्या करता है, इसकी सेल वॉल को जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है, ठीक ना। तो इस तरीके से, और हालांकि इसमें आपके है कि एंटीसेंस RNA टेक्निक यूज़ की हुई है, इसमें आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, यानी कि RNA किसी भी प्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है तो उस RNA को रोका जाता है। तो ये जो है ये आपके आगे आएगी। फिर उसके बाद में थर्ड हमारे पास में एग्जांपल है ट्रांसजेनिक मेज। ये ट्रांसजेनिक मेज क्या है, अगर आपको पता है कि तो जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, चाहे आप वीट लो, राइस लो, मेज लो, इनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन वगैरह नहीं है। तो इसलिए जो है ऐसी मक्का या ऐसी मेज को तैयार किया जा रहा है जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा हो, यानी अमीनो एसिड्स ज़्यादा हो, यहाँ पर लाइसिन अमीनो एसिड्स को डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो मक्का है या ये जो मेज है, इस मेज में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में प्रोटीन भी है, वो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। फिर उसके बाद में अगला है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट, यानी कि खरपतवार। खरपतवार आप जानते ही हो, खरपतवार होता है
अनवांटेड प्लांट यानी कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो ज़मीन में उग जाता है, और जो हमें मेन प्रोडक्शन चाहिए वो तो मिलता है कम और हमें वीड की प्रोडक्शन मिलती है ज़्यादा। तो क्यों नहीं हम प्लांट में ही ऐसा जीन इंसेक्ट इंजेक्ट कर दें जिससे कि उस फील्ड में वीड डेवलप ही नहीं हो। तो इसलिए जो है ऐसे प्लांट्स बनाए जा रहे हैं जिनसे कि उसमें मेन प्लांट के साथ में जो वीड्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो, और उसके लिए अपन बहुत सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे टैबेको टमाटर में अपन ने ग्लाइफोसेट जो है रेजिस्टेंस उनको बनाया ताकि कोई भी वीड उसके साथ में डेवलप्ड नहीं हो। तो इस तरीके से जो है हमने हर्बिसाइड्स ऐसे बनाए जिनमें कि वीड्स डेवलप नहीं हो। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है मेल स्टेरिलिटी प्लांट, यानी कि हमने नरबंदी पौधों का भी जो है फॉर्मेशन किया है, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा इम्पॉर्टेंट कर लेना। और इसमें भी हम एक स्पेशल बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं, बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस, ये बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया को हम यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारा प्लांट कैसा बनेगा, मेल स्टेराइल, यानी कि उसमें परागकण तो बनेंगे लेकिन वो निषेचन के योग्य या फर्टिलाइजेशन के योग्य नहीं होंगे। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि इसमें जो है हमारे पास में इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि जिनमें हमें प्रोडक्शन नहीं चाहिए, जिनमें हमें प्लांट ज़्यादा चाहिए यानी लीव ज़्यादा चाहिए या और कुछ ज़्यादा चाहिए, तो उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, इसलिए हम ये प्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पर हम बार्नेज जीन, दो जीन है यहाँ पे, एक तो बार्नेज है और एक है बार स्टार, ये दोनों जो जीन है उन जीन को यहाँ यूज़ किया जाता है। जो बार्नेज जीन है ठीक है ना, वो बार स्टार जीन द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिरोधित कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे जो इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टराइल या बंद हो जाते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि ऐसे प्लांट्स बनाना है जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन, कल भी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन उन प्लांट्स में नेचुरली है जो कि लेग्यूमिनस फैमिली के, मटर कुल के जो पौधे हैं उन पौधों की रूट्स में ऐसी नोड्स पाई जाती हैं जिनमें कि खुद ही राइजोबियम डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद में उसमें प्रोटीन की परसेंटेज को बढ़ाता है। तो क्यों नहीं हम ऐसे प्लांट्स तैयार कर लें जिसमें कि खुद ही प्रोटीन बनने लगे, और इसके लिए हमें एक स्पेशल जीन एंटर कराना पड़ता है और उसे हम बोलते हैं निफ जीन, NIF निफ जीन है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन है। तो ये इसकी प्रोटीन की मात्रा इसमें बढ़ा लेगा, और इसमें हम जो बैक्टीरिया यूज़ करेंगे वो कौन सा करेंगे, एग्रो बैक्टीरिया ट्यूमीफेसियंस, ये बैक्टीरिया है, इसको हम यूज़ करेंगे जिससे कि इसमें निफ जीन बढ़ेगा और नाइट्रोजन या प्रोटीन की मात्रा इसमें बढ़ेगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखे हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से तैयार किए गए। अब अपने पास में अगला जो टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ये मतलब एक तरह का क्या हो गया, ये अपने लैब में अपन जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको प्रोसेस को तो नहीं लेकिन इसमें जो चीज़ें आ रही हैं उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके इसमें डेफिनेशन दी हुई है कि किस तरह से हम आर्टिफिशियल मीडियम में चाहे प्लांट हो, एम्ब्रियो हो या सीड्स हो, ये सब कैसे डेवलप करते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, टिश्यू कल्चर। और इस टिश्यू कल्चर में कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी या शब्दावली दी हुई है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ हमें प्लांट टिश्यू कल्चर में चाहिए। सबसे पहले है एक्स प्लांट, या जिसे हम बोलते हैं क्रतोतक। क्रतोतक क्या है, क्रतोतक ये मान के चलिए कि जैसे अपने को कोई काम करना है
तो काम करने के समय जो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए जिससे कि हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, कृतोत्तक या एक्सप्लांट। और इसमें कुछ भी हो सकता है, सीड भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, कोई टिश्यू भी हो सकता है, सेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि जिससे हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कृतोत्तक या एक्सप्लांट। उसके बाद में कैलस, यानी कि नेक्स्ट स्टेप। जब आपने एक्सप्लांट यूज़ कर लिया तो टिश्यू कल्चर जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो टिश्यू बनेगा, और वो टिश्यू क्या होगा, जिसको कि जिससे हम जो भी चीज़ बना रहे हैं, तो वो चीज़ हमारा जो फर्स्ट टिश्यू है उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कैलस। फिर उसके बाद में प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है कि जो कोई भी प्लांट सेल है, आपको पता है प्लांट सेल के चारों तरफ एक मोटी सेल वॉल होती है, अगर हम उस सेल वॉल को हटा दें तो उसके बाद जो सेल बचती है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। और उसी को हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हैं, क्योंकि सेल वॉल कैसी होती है, इम्परमेबल, अपारगम्य होती है, तो उसमें अपन कोई काम नहीं कर पाते, इसलिए पहले अपन सेल वॉल को हटाते और बाद में अपने वर्क को स्टार्ट करते। उसके बाद में सब कल्चर। सब कल्चर क्या है, या उप संवर्धन। उप संवर्धन क्या है कि जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हो, काम करते करते आपको लग रहा है कि कुछ इसकी क्वालिटी है वो कम होती जा रही है, तो उस क्वालिटी को कम होगी तो हमारा जो प्रोसेस है वो अच्छा नहीं होगा, तो उस समय हम उसके जो मीडियम है, उसके जो माध्यम है, उस माध्यम को चेंज करेंगे और नया उसमें चीज़ डालेंगे, तो इसे हम बोलते हैं उप संवर्धन या सब कल्चर। फिर उसके बाद में भ्रूण संवर्धन या एम्ब्रियो कल्चर। ये एम्ब्रियो कल्चर इसलिए किया जाता है कि जैसे आपको पता है कि कई वैरायटीज़ हैं वो अब धीरे धीरे नहीं मिल रही, जिन्हें अपन विलुप्त बोल रहे हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि एम्ब्रियो डेवलप बहुत कम क्वांटिटी में होता है। जैसे अगर आपको पता हो तो कई प्लांट्स हैं उनमें, जैसे बेस्ट एग्जांपल अपने पास में बांस है, बैम्बू, अगर आप उसमें देखो तो उसमें फ्लावरिंग 40 से 60 साल के बीच में आती है, तो वो कैसे डेवलप होगा। तो ऐसे प्लांट्स जिनके एम्ब्रियो बहुत कम बनते हैं या बहुत रेयर होते हैं, तो उस कंडीशन में हम एम्ब्रियो का कल्चर करते हैं या एम्ब्रियो का संवर्धन करते हैं, ताकि आर्टिफिशियली हम उसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। फिर उसके बाद में पराग संवर्धन। पराग संवर्धन में हम क्या कर रहे हैं कि पराग कण है उनको बना रहे हैं, और ये जो पराग कण है, क्योंकि आपको पता है कि निषेचन के लिए पराग कण भी चाहिए, अंड भी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे केवल पराग कण से ही प्लांट बना ले रहे हैं, तो जब हमें अगुणित प्लांट की आवश्यकता होती है, हैप्लोइड प्लांट की आवश्यकता होती है, तो उस समय हम पराग कण से सीधे ही प्लांट बना लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पराग संवर्धन या पोलन कल्चर। उसके बाद में मेरिस्टेम कल्चर या विवजोत संवर्धन, ये इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे एक बार क्वेश्चन आया कि अगर मान लीजिए एक बनाना का प्लांट है और वो प्लांट इन्फेक्टेड हो गया, उसमें संक्रमण हो गया, लेकिन अब इस संक्रमण वाले पौधे से हमें बिना संक्रमण वाला पौधा बनाना है, तो उसके लिए हम किसको, कौन से ऊतकों का उपयोग करेंगे, तो आपने विवजोत ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़े, और ये टिश्यूज़ इनका केवल काम होता है सेल डिवीज़न करना और नए टिश्यूज़ बनाना, तो इन टिश्यूज़ में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता, ये अपर पार्ट में होता है, चाहे ये सूट टिप हो यानी तने का ऊपरी भाग हो या रूट टिप हो जड़ का ऊपरी भाग हो, तो उसमें कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता है, और उनमें जो टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो उन टिश्यूज़ को यूज़ करके टिश्यू कल्चर के थ्रू हम इन्फेक्टेड यानी कि रोग ग्रसित प्लांट से रोग रहित प्लांट बना सकते हैं, तो ये कहलाता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। उसके बाद में है पूर्ण सक्तता या टोटिपोटेंसी। पूर्ण सक्तता या टोटिपोटेंसी यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें कि सभी ऑर्गन बनाने की कैपेसिटी। अब जब अपन घर आपके एग्रीकल्चर में ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं है, तो जब
ह्यूमन में ब्लास्टुला सेल्स होती हैं, कोरक कोशिकाएं होती हैं, तो उन कोशिकाओं से हम कोई भी अंग बना सकते हैं, जिसे अपन स्टेम कोशिका कहते हैं। तो ये जो पावर है, इस पावर को अपन क्या बोलते हैं, टोटी पोटेंसी या पूर्ण सक्षमता, नाम से आपको पता लग रही है, यानी कि इनमें पूरी शक्ति है सभी अंगों को उत्पन्न करने की। उसके बाद में पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट मीडियम। अब ये जितना भी काम है, ये जो काम है किस माध्यम में हो रहा है, कौन से केमिकल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका पोषक माध्यम। अब ये जो पोषक माध्यम है, ये पोषक माध्यम अगर आप दूसरी बुक्स में पढ़ेंगे तो इसे बोलते हैं एमएस मीडियम। एमएस यानी कि इस माध्यम को सबसे पहले मुरासिक और स्कूग, इन दो साइंटिस्ट ने करा था, मुरासिक का एम और स्कूप का एस, इन दोनों को यूज़ करके ये मीडियम का नाम रखा गया एमएस मीडियम। और इस मीडियम में हमें कुछ हार्मोन्स मिलेंगे, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, कुछ प्रोटीन मिलेगा, कुछ ग्लूकोज मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे, तो इन सबको एक फिक्स रेशो में तैयार करके इस मीडियम को बनाया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं पोषक पदार्थ। और लास्ट इसमें इन विट्रो कल्चर, ये पहले स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो काम हम प्रैक्टिकल में करते हैं, लैब में करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इन विट्रो पात्र निषेचन, और जब हम नेचुरल में करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन विवो या जीवी। तो इस तरीके से जो है आज अपन ने दो टॉपिक पढ़ लिए, एक तो एग्जाम्पल्स पढ़ लिए और दूसरे जो टिश्यू कल्चर है, उस टिश्यू कल्चर में किस शब्दावली का हम उपयोग करते हैं योग, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। अब थोड़ा सा आपका चैप्टर वजह उसको कंप्लीट कराएंगे। अब यहाँ पे आप मंडे को टेस्ट के लिए बराबर पढ़ते रहिए, ठीक है, ओके।